हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के सेकंड पेपर की। हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जिसमें आपका आएगा क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने ही आने हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहला क्वेश्चन है आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फर्स्ट यूनिट में ही है आपका, और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, वो आती है पैरिटी ऑपरेटर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इसके टाइप्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आप पैरिटी ऑपरेटर को भी तैयार कर लेना, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि फर्स्ट आपकी यूनिट में ही पहला ही टॉपिक है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको यहां से दो नंबर में मिलने वाला है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा। इसी प्रकार से पैरिटी ऑपरेटर भी एक वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ऑपरेटर। जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ऑपरेटर है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट में मिलने वाला है, यानी कि 15 नंबर में आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ऑपरेटर आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोस्तों दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हैमिल्टन ऑपरेटर भी और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। इसके बाद देखो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका 100% आना ही आना है, तो इसको तो 100% आप लिख लें, बिल्कुल आना ही आना है, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो 15 नंबर में मिलेगा या फिर आपको 25 मार्क्स मिलेगा, यानी कि या तो शॉर्ट में मिलेगा या फिर आपको लॉन्ग में यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद करके जाएं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम को अलग से भी आपको तैयार करना है। बोहर मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की संभावना है, यानी कि 25 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है क्वेश्चन नंबर 7, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। दोस्तों श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपको टाइम डिपेंडेंट भी पढ़ के जाना है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपकी, वो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। इसके बाद आपको इरेनफेस्ट थ्योरम, ये जरूर पढ़ के जानी है, ये आपकी 100% इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद आपका ड्वेन हंट्स लॉ, ड्वेन हंट्स लॉ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 100% आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर पर स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर, स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार करके जाना है आपको। दोस्तों स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर के बाद एल्कली एटम स्पेक्ट्रम को तैयार करके जाना है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा, और यदि 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो 15 नंबर का यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि एल्कली एटम स्पेक्ट्रम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, ये आपका 10 नंबर पर एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग एंड न्यूमेरिकल्स इसके। ठीक है, तो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग को आपको जरूर पढ़ के जाना है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी करके जाने हैं, ये 100% आपको मिलने ही वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम की, तो एक्सरे स्पेक्ट्रम और आपका ब्रैक्स लो और एक है मोजले लो, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। चाहे तो आपका एक्सरे स्पेक्ट्रम मिले या ब्रैक्स लो मिले या फिर आपका मोजले लो मिले, यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। हो सकता है आपको दो भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको यहां से ब्रैक्स लो और मोजले लो भी आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाए, या वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाए, या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रम भी आपको देखने के मिल जाए, यानी कि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं वाइब्रेशनल एंड प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम की। दोस्तों वाइब्रेशनल और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
यहां से आपका दो नंबर का क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद रमन इफेक्ट को 100% आप करके जाना, ठीक है। रमन इफेक्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो 15 नंबर का या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसलिए रमन इफेक्ट को आप जरूर करके जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना क्या है आपको, रमन इफेक्ट में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और इसके यूजेज पढ़ने, आपको इसको 100% तैयार करके जाना है। इसके बाद देखो दो नंबर का क्वेश्चन यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इसको पढ़ लेना, दो नंबर का है। इसके बाद है लार्मर प्रेसेशन, ये भी दो नंबर का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ये भी आपका दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाते हैं तो आपका पेपर 100% सॉल्व होगा और 100% आपके मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, इसलिए यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वीडियो का वो लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।